Friends, welcome to BBVN online classes. And in our last class, we have already discussed about the attraction forces between the particles of a solid, liquid, or gases. And those are named as van der Waals attraction forces. And today I am going to tell you about the thermal energy between the particles of solid, liquid, and gas. Thermal energy. देखिए thermal energy यहाँ पे therm word आ रहा है. क्या आता है यहाँ पे therm word. और थर्मल एनर्जी जब भी थर्म वर्ड आता है तो इसका मीनिंग होता है डायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर. किससे रिलेटेड होता है? टेम्परेचर से. तो थर्मल एनर्जी की हम बात करते हैं तो थर्मल एनर्जी क्या होती है? इट इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के मोशन को ही हम क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी बोलते हैं. या हम ये भी कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जो मूवमेंट होता है, उनका जो मोशन होता है वो किस फॉर्म में होता है? थर्मल एनर्जी के फॉर्म में होता है. और अगर हम इनकी बात कर, अब आपको ये चीज तो पता ही है कि सबसे ज्यादा मोशन कौन से पार्टिकल्स के बीच में होता है? गैसेस के बीच में होता है. फिर उनसे कम मूवमेंट और मोशन कहाँ होता है? लिक्विड्स में होता है. और सॉलिड में तो हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट होता ही नहीं है. तो ऑर्डर क्या रहेगा थर्मल एनर्जी का? सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी किसकी होगी? गैसेस की. फिर बाद में इनसे कम किसकी होती है? लिक्विड की. और सबसे कम थर्मल एनर्जी किसकी होती है? सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में होती है. अब क्यों हमने ये ऑर्डर बनाया? क्योंकि हमें पता है सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ देखा जाता है? गैसेस में. फिर उनसे कम होता है लिक्विड में और सबसे कम होता है सॉलिड में. क्यों कम होता है मोशन? और इसके बारे में भी आपको पता है कि जो सॉलिड होते हैं, ये तो मैंने थर्मल एनर्जी का ऑर्डर बनाया और आपको सबको पता है कि सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं. तो जैसे ही अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे तो मोशन अपने आप ही कम हो जाएगा. जबकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, है ना. तो कम होने की वजह से क्या होते हैं? पार्टिकल्स का मोशन तेज होगा, ज्यादा होगा और उसी वजह से उनके अंदर थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी. तो अगर मैं थर्मल एनर्जी को रिलेट करती हूँ अट्रैक्शन फोर्सेस से, तो अट्रैक्शन फोर्सेस आप सभी को पता है उनका ऑर्डर क्या होगा. सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्सेस मैक्सिमम होते हैं, फिर लिक्विड में थोड़े कम होते हैं और सॉलिड में बहुत, सॉरी, गैसेस में क्या होते हैं? सबसे कम होते हैं. तो अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होते हैं इसलिए सॉलिड में मोशन पार्टिकल्स का कम होगा तो थर्मल एनर्जी भी कम होती है. फिर हम बात करते हैं थर्मल एनर्जी के बाद में गैसेस के बारे में. हम किसके बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में? गैसेस और लिक्विड के बारे में. तो देखिए सबसे पहले हम गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. और आप सभी को पता है कि गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या है. सबसे पहले जब भी हम गैसेस की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि गैसेस के क्या होते हैं? शेप और जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है. तो फर्स्ट ही प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इनकी शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम आर नॉट फिक्स्ड. क्या नहीं होते हैं? ये फिक्स्ड नहीं होते हैं. गैसेस में जो वॉल्यूम और शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है. ये आप सभी ने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है. फिर दूसरी बात, अभी हमने बात करी है कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं? वेरी वेरी लेस. तो अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में? वेरी वेरी लेस. ठीक है, वेरी वेरी लेस. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत कम होते हैं इसलिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर होते हैं. तो पार्टिकल्स आर अरेंज्ड फार अवे विद ईच अदर. फार अवे विथ ईच अदर. ठीक है, क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, अरेंज होते हैं भी बोल सकते हैं. वैसे भी आपको पता है दूर दूर किस तरीके से गैसेस में होते हैं. थर्ड हम बात करते हैं डिफ्यूजन की. तो डिफ्यूजन कहाँ देखने को मिलता है? आप सभी को पता है डिफ्यूजन जो होता है वो या तो देखने को मिलता है लिक्विड में या मिलता है गैसेस में. तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है? आप सभी को पता है कि हम स्प्रे करते हैं या किसी भी परफ्यूम या डीओ को स्प्रे करते हैं तो क्या होता है? विद इन फ्यू सेकेंड्स जो होता है वो पूरी की पूरी स्मेल पूरे रूम में हो जाती है, यहाँ तक कि रूम से बाहर भी चली जाती है. और इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन. तो क्यों होता है डिफ्यूजन गैसेस में? अच्छा, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत कम अट्रैक्शन फोर्सेस को लिए हुए होते हैं. तो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो क्या हो जाते हैं? चारों तरफ फैल जाते हैं. तो डिफ्यूजन को हम क्या बोल सकते हैं?
particles of gases can evenly diffused in every direction, in every direction, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चीज वो है कंप्रेसिबिलिटी। क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। और आप सभी को पता है कि आपने पढ़ा है कि कंप्रेसिबल सिर्फ गैसेस होती हैं, जबकि सॉलिड और लिक्विड्स कैन नॉट शो द कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड और सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ गैसेस की ही ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। और यही रीजन है कि आप लोगों ने अपने घरों में एलपीजी गैसेस गैस देखी है तो, और जो हम लोग क्या करते हैं सिलेंडर में गैसेस भरते हैं, भरवाते हैं, तो उसमें क्या होती है एलपीजी गैस के नाम का ही जैसे फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है जो सिलेंडर में गैसेस भरी हुई होती है। और ये लिक्विड में किस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। अगर हम गैसेस को हाई प्रेशर और टेम्परेचर को लो कर देते हैं तो क्या हो जाते हैं, गैसेस क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है और लिक्विड में कन्वर्ट करी जा सकती है। तो ये भी किसका इंपॉर्टेंट करेक्टर है, गैसेस का है। इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो गैसेस के बारे में हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इस चैप्टर में भी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक और जो होता है वो है डेंसिटी। तो आपको पता ही है कि गैसेस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो डेंसिटी क्या होती है गैसेस की, बहुत ही कम होती है। डेंसिटी क्या होती है, वेरी वेरी लेस। क्यों बोलते हैं वेरी वेरी लेस हम, क्योंकि सॉलिड लिक्विड से क्या होती है ये कम होती है। अब बात करते हैं हम कि गैसेस की जो ये प्रॉपर्टीज होती है, उन सभी प्रॉपर्टीज को अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग लॉज दिए और उसके थ्रू एक्सप्लेन किया और उन सभी लॉज को कंबाइन करके एक सिंपल लॉ बना जिसे हम आगे डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उन लॉज के नाम बता देती हूँ जो लॉज गैसेस के बारे में दिए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो लॉज क्या है, वो फोर लॉज हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। क्या है? बॉयल्स लॉ, जो बॉयल रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। फिर बात करते हैं हम चार्ल्स लॉ की, चार्ल्स लॉ। फिर बात करते हैं गैलुसेक्स लॉ की, गैलुसेक्स लॉ। और लास्ट में आता है एवोगाड्रोस लॉ, जिसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो इन चारों लॉज को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो एक स्पेसिफिक लॉ बनता है जिसे हम बोलते हैं आइडियल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन, जो जिससे हम एक आइडियल गैस की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ बॉयल्स लॉ। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बॉयल्स लॉ। तो देखिए सबसे पहले बॉयल्स लॉ, देखिए ये जो फोर लॉज हैं वो जो गैसेस हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। तो गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रेशर, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, टेम्परेचर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, एंड वॉल्यूम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से, एंड मास, मास या फिर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और मोल्स जो है वो आप लोगों ने पढ़ा अपनी 9th और 10th क्लासेस में। तो क्या है मोल्स को, जिसे हम मास भी बोल सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एन से। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज पे ये फोर जो लॉज हैं वो डिपेंड हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। तो देखिए आप सभी को पता है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि इफ वी क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें टेम्परेचर को। तो देखिए इसको लर्न करने का तरीका या ट्रिक बताती हूँ मैं। बॉयल्स, बॉयल्स को हम क्या किस तरीके से ले सकते हैं, बॉयल करना। तो जैसे बॉयल वर्ड आया तो इसका ध्यान रखना टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इट मींस बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ ए गैस, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं एन क्या हो जाएगा, वन मोल, ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं क्योंकि फिक्स अमाउंट लिया है और मास को हम मोल नंबर ऑफ मोल्स में ले रहे हैं, तो फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस द प्रेशर, यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस प्रेशर ऑफ दिस गैस इज इनडायरेक्टली proportional to the to its volume, ठीक है, तो क्या बोलता है boys know, at the constant temperature for a fixed amount of a gas, pressure of this gas is indirectly proportional to its volume, और इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अब देखिए, आपको याद रखना ये चीज कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट ऐड होता है और वहां पर हम के वो कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं के, तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगी तो के वन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन वी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के वन अपॉन वी, ठीक है। फिर देखिए, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम यहां से v को इधर ले आते हैं तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाती है, pv इक्वल टू k1, तो ये दो जो इक्वेशन है वो हमारे बॉयल्स लॉ को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो किस पर बेस्ड आते हैं, ठीक है, हमें क्या बोला जाता है कि अगर हम किसी गैस के सेम अमाउंट लेते हैं, ठीक है, यानी उनके नंबर ऑफ मोल सेम ले लेते हैं, एन वन और एन टू सेम ले लेते हैं, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, आप खुद को ही पता है कि अगर हम जो गैस के पार्टिकल से उन पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो अगर हम स्टार्टिंग में प्रेशर पी वन लेते हैं, वॉल्यूम वी वन लेते हैं, तो लास्ट में जो आपको पता है ये PV इक्वल टू K1 होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो अब प्रेशर क्या हो गया, P2, ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो प्रेशर ले लेते हैं हम V2, ठीक है, ये भी किसके इक्वल होता है, K1 के, ये भी किसके इक्वल होता है, K1 के, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमारे पास आती है। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज जो हमसे इस रूल के बारे में या सभी रूल्स के बारे में पूछा जाता है वो होता है अबाउट द ग्राफ। अब देखिए, जब भी रिलेशनशिप होती है तो हमें ग्राफ खींचना होता है यहाँ और इसके बीच में, तो देखिए यहाँ पर अगर वाई एक्सिस पे मैं क्या ले लू, प्रेशर, एक्स एक्सिस पे क्या ले लेती हूँ, वन अपॉन वी, तो आपको पता है ना पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वन अपॉन वी, तो जब भी दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देखिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V, तो ये इस पूरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, इस तरीके से कि स्ट्रेट लाइन आती है, और कौन ये स्ट्रेट लाइन किस पर आती है, एट कांस्टेंट टेंपरेचर T1 पर। अगर मान लीजिए मैं टेंपरेचर बढ़ा दूं तो ये जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से आ जाएगा, ये लिख देती हूँ मैं T2, अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ा देती हूँ तो ग्राफ आ जाएगा इस तरीके से T3, ठीक है, तो ध्यान रखना टेम्परेचर का इफेक्ट भी आपको आगे अपने कभी भी जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जा सकता है, तो क्या करेंगे हम लोग, लिख सकते हैं T3, T2 एंड T1, T1 कम होगा तो ग्राफ ऐसे होगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर हमें कॉन्स्टेंट लेना होगा जब हमें प्रेशर और 1/V के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते तो हमारा जो ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ की तरफ शिफ्ट होती है, पी की तरफ शिफ्ट होती जाती है, तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। और इस ग्राफ को यानी ये जो तीनों जो हमें स्ट्रेट लाइंस मिलती है, इन तीनों लाइंस को हम बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर, तो इन ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। ये जो लाइंस होती है जो हमें P और 1/V के बीच में मिलती है उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। और ये ग्राफ किस तरीके से पूछा जा सकता है, अगर मान लीजिए प्रेशर और V के बीच में ग्राफ पूछा जाए, ठीक है, 1/V नहीं लिया है मैंने, अब की बार मैंने क्या लिया है, V, और
डायरेक्टली नहीं होता है। तो जब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, वी लिया मैंने यहाँ, तो ग्राफ आएंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर भी ये आएगा टी वन के लिए, ये टी टू के लिए, और ये आएगा टी थ्री के लिए। और इन लाइन्स को भी क्या बोलते हैं, आइसोथर्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये बॉयल्स लॉ ने क्या कहा, P इक्वल टू के वन वी वन अपॉन V, या P1 V1 इक्वल टू P2 V2। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट लॉज के बारे में। थैंक यू।